हेलो गाइस, दिस कुशागर। वेलकम टू कुशागर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पॉलीनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलीनोमियल्स के बारे में। सो ये पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज भी आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से जाके देख लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.3 एक्सरसाइज। चलिए तो देखते हैं 4.3 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ देखिए कि 4.3 एक्सरसाइज को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखता है हमें। यहाँ पे ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखे हैं। यहाँ पे हमें एक ग्राफ बनाना है। सो फर्स्ट दे रखा है हमें, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दे रखा है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ क्या दे रखा है, इसका ग्राफ दे रखा है हमें। चलिए ग्राफ नहीं बनाते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम करेंगे इसे जीरो से, इससे करेंगे जीरो से, x इक्वल टू हमें जीरो करना है। x is equals to 0 करेंगे, फिर हम करेंगे x equals to 1, फिर हम करेंगे x equals to 2। x equals to 0 में हम करेंगे कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू 4 क्या रखनी है, x की वैल्यू 0 रखनी है। सो हम यहाँ इधर ले आते हैं इसे, 4 को इधर ले आते हैं, तो y is equals to x minus 4 हो जाएगा। ओके, सो y is equals to x minus 4 हो जाएगा। अब फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब हमने इधर ले आए इसे, सो फिर से जब हम इसे फिर से इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये थोड़ी होगा 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, ये आएगा ना। हमें x थोड़ी रखना है, x की वैल्यू 0 रखनी है, यहाँ x की वैल्यू 1 रखनी है। y इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा। अब फिर क्या हुआ, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी होती, टेबल कैसे बनाते हैं हम, ऐसे ये वाला जो हम टेबल बनाते हैं, एक्स वाई वाला जो हम टेबल बनाते हैं, एक्स वाई, एक्स में क्या दे रखा है, सब में एक्स में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे सब जीरो दे रखा है, क्योंकि पहले जीरो वन टू, जीरो वन टू ये दे रखा है हमें, इधर रखे हैं। अब वाई क्या दे रखे हैं हमें, वाई दे रखे हैं 4 3 2, क्योंकि वाई क्या दे रखे हैं 4 3 2, ये तो दे रखे हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ भी बना लेते हैं। चलिए ग्राफ में हमें यहाँ दे रखा है ये ऐसे बना लें, ये क्रेस्टेन प्लेन थोड़ी है, ये तो हमारा ग्राफ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ऐसा ग्राफ होता है भैया। और ये कौन सी लीनियर इक्वेशन का, ये वाली। अब यहाँ देखिए कि इसे हम यहाँ पॉइंट डाल देते हैं, x डैश दे रखा है यहाँ पे, x डैश यहाँ, x यहाँ, y डैश, हाँ तो ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा जैसे माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 4 और 5 आएंगे। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हम चाहे यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 4 और यहाँ कर लीजिए 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ 0 है, ओरिजिन 0, यहाँ दे रखा है 4 माइनस का, सॉरी प्लस का, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ये दे रखा है हमें। अब यहाँ पे हमें एक लाइन काट कर दी है, लाइन से हमें ऐसे लाइन होके करके जुबरनी है, लाइन हमें ऐसे करके दे रखी है कुछ इस टाइप की, यहाँ से ऐसे। सो यहाँ पे ये इसका नाम हो गया बी, इसका नाम यहाँ का ए, ये पॉइंट का और ये पॉइंट का, ओके। अभी हम इसे इन्हें दर्शाना यानी कि शो करना है, शो हम अपने इंग्लिश में बोल देते हैं शो, शो करना है शो कि नहीं, ये जो मैंने नंबर दे दिए
अब 0.4, 0.4 को कैसे शो करेंगे आप? 0.4, 0.4 का आएगा 0, ये है 0, किसका है इसका, और 4 किसका है y का। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लग गया, क्या यहाँ पे एक पॉइंट लगा, ठीक है। ये किसका पॉइंट लगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगा किसका। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं, पहले x प्लस, किसकी इक्वेशन ले रखी है हमें, x प्लस, पहले हाँ तो ये लाइन हमारी टेढ़ी जा रही है, अभी लाइन हमारी सीधी नहीं गई, अभी ऐसे जाएगी सीधी, ओके। तो ये पॉइंट हो गया ए। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 3 पॉइंट, सो यहाँ पे ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में हमें क्या है, 0.4 आ गया। अब यहाँ कौन सी इक्वेशन करना है हम, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे 1.3 वन किसमें, इसमें 3 यहाँ आ जाएगा फिर तो, ओके यहाँ ये तो आएगा हाँ, तो क्या 1.3 दिया गया। अब सब इसमें क्यों करना है, क्योंकि ये लाइन हमें इसने तो खींची है कि इसमें करेंगे, तो 2.2 ये आ गया, 2.2, ओके ये आ गया आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पे, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2.14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। सो यहाँ पे 2.14 दे रखा है, चलिए क्या दे रखा है यहाँ पे, 2.14 सेकंड में दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे ये दे रखा है 2.14, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर लेंगे अब 2.14, फिर यहाँ पे 2+14 क्या आएगा, 2+14 यानी कि x प्लस वाई, ये तो होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, क्योंकि हमें x प्लस वाई करा है, इक्वल्स टू 16 आया। अब फिर हम करेंगे 3 7 2 14 और 7 2 7 14, तो यहाँ गया 7x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये आ गई, ये दो इक्वेशन है। अब ये क्यों आई, किसके थ्रू आई, ये आई थ्रू नंबर इनफिनाइट, थ्रू इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन ए पॉइंट, किसके थ्रू आई, ये पॉइंट के, जो इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट नंबर, नंबर ऑफ लाइन, लाइन के नंबर पे दे रखा है, सो ये दे रखा है तो इसके थ्रू आई। अब क्या 16 और 7 दे रखे हैं इनफिनाइट नंबर के पॉइंट पर, ये दे रखे हैं, ठीक है। सो ये हो गया अब सेकंड का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, इफ द पॉइंट 3.4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 3.4 दे रखा है हमें, यहाँ पे ये दे रखा है 3.4, फिर इसके इक्वेशन दे रखी है हमें, कौन सी इक्वेशन दे रखी है, 3y = ax + 7, ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, थ्रू है और 3 × 4 कर लेंगे, 3 × 4 करेंगे, फिर इक्वल्स टू क्या है, 3 × 4 है। अब 3 × 4 कौन सा है, वाई की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या है, 4 है, और 3 एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये आएगा वाई का 3 × 4 कर लिया इक्वल्स टू a × 3, क्योंकि एक्स की 3 है, एक्स की 3 वैल्यू दे रखी है प्लस 7 है, इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 × 4 = 12 आ जाएगा प्लस 7। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा इक्वल्स टू 3a इक्वल्स टू 12 माइनस, जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो 3a = 12 माइनस 7 हो जाएगा, सो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3/5 या आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल्स टू क्या आ गया, a की वैल्यू 3/5, ये a की वैल्यू आ गई आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, सो चलिए फिर भी कर लेते हैं। अब करते हैं, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एस टैक्सी, द टैक्सी इन फेयर इन द सिटी इज एस फॉलो।
अब टैक्स दे रखी है सिटी में, उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे दे रखा है हमें फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर दे रखा है द फेयर इज 100, तो रुपीज 8, क्या फेयर दे रखा है रुपीज 8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज पर किलोमीटर। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे फेयर दे रखा है रुपीज 8, किलोमीटर कितने हैं, 1 किलोमीटर कितना करा उसने रुपीज 8 में, ओके। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितनी है रुपीज 5 पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के लिए है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस रुपीज 5। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर रुपीज वाई, राइट द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में लिखना है, अब एक ग्राफ भी दे रखा है तो ग्राफ भी बनाना है ये वाली इसका। अब पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से क्या करना है हमें ग्राफ बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा है 4, फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, बस क्वेश्चन नंबर 5 करते ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ओके। सो अब 4 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर किसने करी, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करी उसने, टोटल यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल, टोटल यानी कि आप पहचान देना टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करी एक्स किलोमीटर में, एंड टोटल टैक्सी फेयर, टोटल टैक्सी फेयर क्या है, टोटल टैक्सी फेयर कितना है रुपीज वाई तो है टोटल टैक्सी फेयर। फिर क्या है फोर वन फेयर फोर 1 किलोमीटर, किसके लिए 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए कितना है 1 किलोमीटर के लिए रुपीज 8, कितना रुपीज 8 ये दे रखा है, ओके ये है रुपीज 8। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये दे रखा है सब चीजें, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो अब हमें डिस्टेंस कितनी एक्स माइनस 1 कर देते हैं, डिस्टेंस कितनी एक्स माइनस 1 क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ये, सो 1 किलोमीटर तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स माइनस 1 कितनी डिस्टेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे रखता है कि यहाँ पे रुपीज फाइव भी है तो क्या देगा रुपीज फाइव इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ए। सो फिर क्या देगा, फिर टैक्सी फेयर जब हम करेंगे तो रुपीज एट प्लस रुपीज फाइव इंटू एक्स माइनस 1 ये दे रखा है। अब ये हो जाएगा ठीक है, अब ये हो गया इसमें, अब इक्वेशन भी तो बनानी है तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू y, तो यहाँ y भी दे रखा है तो रुपीज y, तो y इज इक्वल टू क्या देगा 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा, ये तो होगा ठीक है। अब फिर ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5 ये दे रखा है ठीक है। सो ये तो होगा, ये होगा x, ये होगा 5x, ये तो हो जाएगा 5x क्योंकि ये इंटू ये फिर माइनस फाइव हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इससे करेंगे तो 5 बन जाएगा 5, ओके ये हो जाएगा। अब फिर इक्वल्स टू क्या आया y is equals to 5x plus 3 यही तो आएगा y is equals to 5x plus 3 क्योंकि 8 इसका हमने माइनस कर लिया तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके ये आ गया ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है तो इसका हम क्या करना है, हमें जैसे टेबल बना देते हैं हम वैसे ही करके ग्राफ में दिखा देना है, इसलिए कह रहा था मैंने ये बहुत बड़ा सा उससे। अब हमारी इक्वेशन ये आ गया तो इसे इतना रख कर देते हैं। अब पहले इक्वेशन को यहाँ से लिख लीजिए y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, अब यहाँ से हटा देते हैं ठीक है, मैं भी थक गया इस सवाल को करते करते। अब फिर क्या है इसमें, अब इसे सॉल्व करना है, पहले तो 0 ले लेते हैं x के लिए, हमने यहाँ पे 0 ले लेते हैं x हम मान लेते हैं कि 0 मान लिया हमने, x इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 5 into 0 ये आएगा 5 into 0 प्लस 3 आ जाएगा 5 into 0 प्लस 3 ये आएगा
ओके इज इक्वल्स टू थ्री। y इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, थ्री आएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू थ्री आएगा। अब फिर वन से करें तो x इक्वल्स टू माइनस वन से करते हैं तो 5 × −1 + 3 = क्या आएगा 5 + 1 तो 5 - 5 - 5 इधर का और ये प्लस का 3 सो ये इधर का है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 आएगा। ओके यहाँ पे इधर का है 5 × 5 = 5 माइनस का इधर का और ये प्लस का इधर का है तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का ये x इक्वल्स टू माइनस का 2 करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × −2 + 3 = 5 × 10 + 3 10 − 10 आएगा −10 + 3 तो क्या आएगा, क्या आएगा −7 क्या हो जाएगा। अब इसकी टेबल बनाते हैं x y टेबल बनानी है इसकी तो क्या हो जाएगा x यहाँ पे 0 है −1 है और −2 है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर देखिए कि यहाँ पे 3 है −2 है −7 है ये दे रखा है, ठीक है, ये टेबल ही तो बनेगी। अब फिर हमें ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है हमें, एक कैसे ग्राफ बनाना है ये बना लेते हैं हम ग्राफ। यहाँ पे चलिए हम नंबर लिख लेते हैं, अब −3 − 2 ओरिजिन −1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 6 − 7 इतना बना लिया हमने, ठीक है। अब इतना जी बना लिया हमने, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 या कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे 5 − 4 − 3 − 2 − 1 चलिए आप कुछ ज्यादा हो गया तो इसलिए जितना हमारा पहले था भाई उससे एक ज्यादा कर लेते हैं। अब भी एक ज्यादा करा है, उतना नहीं करा सर ने, अब भी उतना ज्यादा नहीं करा है, चलिए कोई बात नहीं, क्या बोला है ए बात तो वही रहती है। सो ऑन पर यहाँ पे हमने 7 क्यों करा, क्योंकि 7 इसलिए हमने 7 कर लिया। y डैश x डैश x अब फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 4 3 2 1 ठीक है ये हो गया। अब फिर एक लाइन बना लेते हैं कि लाइन सीधी नहीं बनी, क्योंकि लाइन क्यों बनाते हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशन वाले ग्राफ में, लीनियर इक्वेशन वाले ग्राफ में बनाते हैं। सो यहाँ पे हम लाइन फिर से बनाते हैं, फिर से सीधी नहीं बनी, थोड़ी सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बन गई, अब जैसे बन गई फिर यहाँ बी ले लिया, यहाँ ए ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, 0, 0 और माइनस और 0 + 3 सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आया, ये कौन सा आया 0, 3 ये आएगा। अब यहाँ किसका इक्वेशन था कर रहे हैं हम, कौन सी इक्वेशन का, y = 5x + 3 इसका कर रहे हैं हम, ठीक है। सो अब ये आ गया, अब फिर क्या करेंगे −1 और −2 सो यहाँ पे −1 ये रहा, −2 ये रहा, −1 ये रहा, −2 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट। यहाँ पे कौन सा −1, −2 वाला, फिर क्या यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे −2 से −7 तक तो ये आएगा 1 पॉइंट बन के। यहाँ पे किसका आएगा −2, −7 का, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 4 वाले का, ठीक है, इतना बड़ा आंसर आया यार। चलिए अब करते हैं 5 वाला, 5 वाले का दे रखा है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन ग्राफ, चूज द इक्वेशन whose
ग्राफ आर गिवन इन फिगर वन और फिगर टू. फिगर वन और फिगर टू दे रखे हैं. चलिए फिगर भी बना देता हूँ मैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव है. क्वेश्चन नंबर फाइव फिगर बना देता हूँ एक. फिगर वन और फिगर टू ये दे रखे हैं. सो यहाँ पे वन दे रखा है फिगर वन. फिगर वन का दे रखा है फिगर वन. कैसे बनाना है ये फिगर वन. ये फिगर वन है ठीक है. और ये दे रखा है फिगर टू. यहाँ पे फिर से ये लाइन गई माइनस टू माइनस वन ये दे रखा है. अब यहाँ पे फिर से ऑरिजिन. तो यहाँ पे क्या दे रखा है. यहाँ पे दे रखा है माइनस वन और माइनस टू ये दे रखा है. अब यहाँ पे क्या दे रखा है. इधर साइड वन टू थ्री उधर ये दे रखा है. अब फिर दे रखा है यहाँ पे वन यहाँ पे टू दे रखा है. तो यहाँ पे दे रखा है. यहाँ पे दे रखा है माइनस वन माइनस और ये टू ये दे रखा है. यहाँ पे यहाँ पे रखा है जीरो कॉमा जीरो ये दे रखा है ठीक है. सो अब फिर दे रखा है फिगर वन. फिगर वन वालों में दे रखा है कि कौन सा करेक्ट है. वाई इजिक्वल्स टू एक्स है. वाई इजिक्वल्स टू एक्स. एक्स प्लस वाई इजिक्वल्स टू जीरो. फिर दे रखा है हमें वाई इजिक्वल्स टू टू एक्स. टू प्लस थ्री वाई इजिक्वल्स टू सेवन एक्स ये दे रखा है. तो क्या आएगा यहाँ पे. ये गलत है. ये राइट है. ये गलत है. ये क्योंकि मैंने देख के कैसे पहचान लिया आप कहेंगे. क्योंकि x इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू y सॉरी y इक्वल्स टू x है. तो y इक्वल्स टू x. y इक्वल्स टू x दे रखा है. जब हम इसे 1 करेंगे यहाँ पे या 0 करेंगे तो कुछ भी करेंगे. सो यहाँ पे ये गलत ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ये टू वेरिएबल नहीं है. सो इसलिए ये आ गया. अब यहाँ पे ये टू वेरिएबल है इसलिए सही है. सो यहाँ पे जब हमने ये सॉरी ये कट क्यों लगा दिया मैंने अभी. अब पहले क्योंकि कट क्यों लगाई है. ये टू वेरिएबल है साफ साफ पता चल रहा है. जब ये है तो ये सब नहीं होंगे. जब ये दे रखा है तो जब ये सब नहीं होंगे इसलिए ये वाला राइट हो गया फिगर वन. अब फिगर टू का फिगर टू का फिगर टू दे रखा है. हमें ये शॉर्ट ट्रिक बता दी. देखते ही पहचानना पड़ता है कि यार ये वन वेरिएबल है टू वेरिएबल है टू वेरिएबल है. अब आप कहेंगे ये भी टू वेरिएबल है पर यहाँ एक्स प्लस वाई इजिक्वल्स टू जीरो ये वाली वेरिएबल होती है. ये होती है ना ये एक्स प्लस वाई इजिक्वल्स टू जीरो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है. तो यहाँ पे जब ये राइट टर्म पे लगा ले तो ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग हो गया. अब यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं कि आप जीरो नहीं है. सो अब यहाँ पे अब सेकेंड वाला ग्राफ देख लेते हैं. सेकेंड दे रखा है हमें यहाँ पे. सो देखिए ये यहाँ पे ये ऐसे दे रखा है ठीक है. सो देखिए ये ग्राफ दे रखा है. यहाँ पे बना रखा है फोर थ्री टू वन. यहाँ पे बना रखा है माइनस का वन फिर माइनस का टू माइनस का थ्री ये दे रखा है. और फिर यहाँ पे बना रखा है हमने बना माइनस का टू माइनस का वन. यहाँ फिर से ओरिजिन है और यहाँ है वन टू थ्री ये दे रखा है ठीक है. सो यहाँ पे फिर से एक लाइन जा रही है. यहाँ से एक लाइन जा रही है. ये लाइन जा रही है फिर से ओके. ये बी और ये ए था. यहाँ पे ए और ये बी ठीक है. ये बन गया एक ग्राफ ठीक है. सो अब ये यहाँ देखिए. अब यहाँ पे नंबर दे रखा है कि माइनस वन कॉमा थ्री ये दे रखा है. अब फिर दे रखा है कि जीरो माइनस यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा और माइनस माइनस वन कॉमा थ्री ओके ये दे रखा है माइनस वन कॉमा थ्री ठीक है. अब यहाँ देखिए ये किसका पॉइंट है. यहाँ का पॉइंट है माइनस वन कॉमा थ्री माइनस वन कॉमा थ्री यहाँ का पॉइंट है. तो दे रखा है कि जीरो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है जीरो कॉमा टू इसका. अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है. यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है यहाँ का क्या टू कॉमा जीरो ये दे रखा है. अब यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है. फर्स्ट में है y इक्वल्स टू x प्लस टू ये दे रखा है x प्लस टू. फिर दे रखा है x इक्वल्स टू x माइनस टू. फिर दे रखा है
यहाँ पे दे रखा है कि y इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है y इक्वल्स टू माइनस के x प्लस टू प्लस टू, फिर दे रखा है फोर वाले में, फोर वाले दे रखा है x प्लस टू वाई इक्वल्स टू सिक्स। अब यहाँ पे देख के पहचानते हैं कि माइनस, यहाँ माइनस है सो यहाँ पे प्लस है तो ये बिल्कुल कट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये x, यहाँ पे टू ये रखा है, पर यहाँ x है, x या फिर वन होता है या टू हो सकता है, अब x तो कुछ भी हो सकता है तो ये भी कट। अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस है, माइनस दे रखा है, यहाँ पे प्लस था पर ये सही हो जाती है, पर यहाँ माइनस होता तो ये राइट हो गई, इसके साथ ही ये रॉन्ग हो जाएगी। फिर से ये हमने देख के बताएंगे तो ये आंसर हो गया। अब आता है 4.4 एक्सरसाइज पर, 4.4 एक्सरसाइज, 4.4 एक्सरसाइज के 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। y = 3 दे रखा है, y = 3। अब यहां पे हमें करेस्पोंडिंग प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे करना है इसे क्या करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। तो इसका फर्स्ट दे रखा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है वन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में बताना है, इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में बताना है, तो ये वन वेरिएबल में तो है ही। अब इसे नंबर लाइन पर दिखा देते हैं, तो नंबर लाइन बना देते हैं हम, हाँ ये बन गया 0, 1, 2, 3, 4, बन गया माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। अब यहाँ पे प्लस का 3 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा प्लस का 3, सो ये है तो ये y इक्वल्स टू 3 आ गया, ये फर्स्ट का हो गया, ये फर्स्ट का आ गया आंसर। ओके अब ये फर्स्ट हो गया, अब आता है सेकंड, सेकंड में y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे भी दे रखा है, पर ये टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल में कैसे करेंगे हम, सो टू वेरिएबल है हमें रखना है यहाँ पे, टू वेरिएबल में यहाँ पे हम कैसे रखेंगे, तो यहाँ देखिए टू वेरिएबल में हम रखेंगे ऐसे कि जीरो से करेंगे पहले, इसकी क्या करेंगे जीरो से, जीरो करेंगे तो जीरो करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 ये आएगा। अब फिर क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू 2 करेंगे, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हमने क्या करा था, ये जीरो करा था, एक्स इक्वल्स टू 2 करेंगे तो क्या आएगा कॉमा वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे क्या करा हमने ये 2 करा। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पहले वन करते हैं हम, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 3 है। ओके अब यहाँ एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 कर लेते हैं एक नंबर बढ़ाने के लिए हमारे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से टेबल बनेगी एक एक्स अपॉन वाई वाली, यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे दे रखा है 1/3 फिर 2/3 माइनस के 1/3 ये है। अभी से बताना है तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो हमें कैसे करेंगे, अब यहाँ पहले नंबर लिख लेते हैं हम, चलिए नंबर क्या लिखता है 1/3 देखता है और फिर देखता है 2/3 फिर देखता है हमें 1-1/3 ये देखता है, इसे भी हटा देते हैं अब। ठीक है सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे अब हमें बनाना है। ओके सो यहाँ पे बनाना है, सो ये क्या हो गया फर्स्ट वाला, अब ये क्या कर रहे हैं हम, ये सेकंड वाला कर रहे हैं हम, ये भी ध्यान रखना इन वन टू वेरिएबल वाला, सो ओके ठीक है सेकंड वाला कर रहे हैं हम, ये बनाना है हमें, यहाँ पे हमें खाली स्टेट प्लेन बनाना है क्योंकि ये टू वेरिएबल है, हम बना लेते हैं हम माइनस का 2 माइनस का 1 या यहाँ पे माइनस का 3 कर लेते हैं हम, माइनस का 1 माइनस का 2 ये कर दिया। अब यहाँ माइनस का 2 जगह ही नहीं बची, माइनस का 1 माइनस का 2 अब ये बना लिया हमने क्योंकि जगह नहीं बची ना, सो 1, 2, 3, 4 यहाँ चाहे ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कर दिया जैसे माइनस माइनस का वो सॉरी प्लस का 4, 3, 2, 1 ये कर दिया हमने, सो यहाँ पे ये कर दिया। अभी इसे दिखाना है तो 1/3 को, 1/3 को हमें दिखाना है तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, कैसे ऐसे एक लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि क्योंकि किसके लिए लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल के लिए कैसे बनानी पड़ेगी,
यहाँ पे हमें शो करना है, तो क्या करना है, पहले वन और कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री कहाँ रहे, वन कॉमा थ्री यहाँ रहे, तो यहाँ क्या है, ये निशान है, तो क्या हो जाएगा, वन कॉमा थ्री। अब चाहे हम ऐसे नहीं लेते हैं तो ये थ्री दे रखा है यहाँ पे, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें ऐसे करके कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो पॉइंट का लगेगा यहाँ, लगेगा यहाँ से प्लस के वन से थ्री तक यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब कहाँ पे ये आएगा ब्रैकेट में, ये कॉमा थ्री आ गया। अब फिर क्या है, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री तो टू यहाँ है तो ये कॉमा थ्री, सो यहाँ लग जाएगा। कहाँ लगेगा ये, यहाँ पे इस जगह लग जाएगा। ओके ठीक है, इस जगह लगेगा। अब यहाँ पे लग गया ठीक है। अब यहाँ पे बना दिया हमने, क्योंकि यहाँ टू दे रखा है तो यहाँ हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, टू कॉमा थ्री का है, और माइनस वन, माइनस वन इधर है तो ये माइनस वन है। ओके माइनस वन है। अब हम सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ी होगा, हाँ तो अब सही, अब सही है, सॉरी 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 सॉरी, गलत है ये, गलत है, हाँ अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा। यार हमने कर दिया सारा फिट, गलत हो गया, चलिए सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस वन कॉमा थ्री आएगा, ये मैंने गलती कर दी थी, है ना। सो चलिए, सो ये आ गया आंसर। ओके तो ये क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू भी हमने कर लिए, 4.4 एक्सरसाइज भी कम्प्लीट हमारी। सो ये पार्ट टू भी कम्प्लीट, इसके साथ साथ हमारा ये फोर्थ चैप्टर पूरा कम्प्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गाइस बाय।